For a joint conduct of awareness program that on 20th February 2023. And the worthy principal sir, Professor Muhammad Shabir Malik, praised and accepted this move and directed the concerned quarters, that is the NSS unit and debates and seminar committee, to have an active cooperation with the regiment, with the 90 RR regiment strictly. So dear students, it's a very long day program. Therefore, I think that without wasting your precious time, I invite Dr. Major Ashish Dhunjak to come on the dais and handle the first session. Doctor. But labor job is not that easy. ठीक है, उसको हैवी लोड भी उठा रहे हैं वहां से, कुछ भी होगा, किसी कंस्ट्रक्शन वर्क में काम करना है, किसी की लोडिंग अनलोडिंग में काम करना है, बहुत सारे टास्किंग होती है। और एक सबसे बड़ा इशू क्या है, आप लोगों के आसपास किसी को पता भी होगा कि ही इज डूइंग दैट, आपको इसको रोकता ही नहीं है। दिस इज द मेन कॉज, दिस इज द मेन कॉज, कोई इसको किसी को रोकेगा ही नहीं। सभी बोलेंगे क्या है मुझे, क्या है वो ऐसी है, ये ठीक बंदा नहीं है, ही विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर सेल्फ और माई फैमिली, माई डियर एंड नियर वंस, तो हमें क्या मतलब है जब तक हमारे घर पे बात नहीं आती है। दिस इज द मेन कॉज विद ऑल ऑफ अस कंप्लीट इंडियन सोसाइटी, दिस इज द मेन कॉज। जब तक खुद के ऊपर चोटें लगती है तब तक हम हिलते ही नहीं है, नेवर एवर। आप लोग तब तक उस बातों पर विश्वास नहीं करोगे, कल अगर आप में किसी भी गर्ल या बॉय, किसी के पास भी किसका पर्सनल अकाउंट होगा, आपके पेरेंट्स आपको मनी ट्रांसफर करते होंगे, आपका जब तक पर्सनल डेटा हैक नहीं हो जाएगा ना, तब तक आपके मनी अकाउंट से मनी कोई विड्रॉ कर लेगा इलीगली, इलिसिट तरीके से, ओटीपी शेयर करके। जो है आर आर 19 की तरफ से बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था, क्योंकि ड्रग प्रॉब्लम या ड्रग मिस एक ऐसी चीज़ है जो हमारी सोसाइटी में बढ़ती ही जा रही है, ये हमारे यूथ को डिस्ट्रॉय करती जा रही है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर कोई अपने एंड पर लोगों को अवेयर करने की कोशिश करे, लोगों की कॉन्शियस इग्नाइट करने की कोशिश करे, और हम किसी को अगेन फोर्स नहीं कर सकते कि आप क्या करो क्या मत करो, लेकिन अवेयर करना ज़रूरी है, गाइड करना ज़रूरी है। तो क्या मैसेज रहेगी जो बॉयज़ है या गर्ल्स है वो आर डूइंग ड्रग्स, उनके लिए कोई खास मैसेज? आई थिंक ड्रग्स इज समथिंग दैट विल डिस्ट्रॉय योर लाइफ, इट विल डिस्ट्रॉय योर फैमिली रिलेशनशिप्स, एंड इफ़ यू आर द यूथ ऑफ सोसाइटी यू हैव लिमिटलेस कैपेबिलिटीज, एंड दोज कैपेबिलिटीज शुड बी यूज टू सर्व द सोसाइटी, नॉट टू डिस्ट्रॉय योर सेल्फ अलॉन्ग विद योर फैमिली। One word for Indian Army for doing such programs. This was a commendable program, and I think ये programs बहुत ज़्यादा help करते हैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, हम ये प्रोग्राम लास्ट दो साल से करते आ रहे हैं, ऑनलाइन में ऑफलाइन मोड में। हमने 19 RR से इससे पहले भी ऐसे एक इवेंट ऑर्गेनाइज किए जिसमें एक डिबेट भी था, उसमें मेडिकल साइकेट्री डिपार्टमेंट से लोग थे, हम भी थे, और अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी को खाई जा रही है। हमारा यूथ जो एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है जिससे उम्मीद वाबस्ता है, वही यूथ इसमें इन्वॉल्व होता जा रहा है। जो इकोनॉमिकली रिसोर्स है वो हमारा रिसोर्स ख़त्म होता जा रहा है। तो ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने से हम रोक सकते हैं, लोगों को कॉन्शियस कर सकते हैं कि ये बला है क्या चीज़, इस बला से हम अपने आप को, अपने फैमिली को, अपने हमसाया लोगों को, रिश्तेदारों को, उस सोसाइटी को कैसे रोका जा रहा था। यहाँ पे जो हमारे अभिषेक सर है, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम था, तो लोगों को वो इन्फॉर्म कर रहे थे कि ड्रग्स से कौन कौन से मसाइल होते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है। तो जो हमारे सर है, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव दिया था उन्होंने। और मैं आपको बताता चलूँ, जो अगर कश्मीर की बात करें, यहाँ पे जो तीन चीज़ें होती है मेन, जिनकी वजह से जो हमारे बच्चे होते हैं वो ड्रग्स की तरफ रागिब होते हैं। नंबर वन होती है जो मतलब कोई रिलेशनशिप में किसी की वजह से तो हो जाते हैं, सदमे में चले जाते हैं, तो एक तो दूसरी जो होती है, दूसरा जो होता है वो अनएम्प्लॉयमेंट जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब अगर हम डीप कॉज जो देखेंगे वो वही है। और तीसरी चीज़ यहाँ के हालात, अभी आप देख सकते हैं ग्रासलैंड का मसला था और आर्टिकल का मसला हुआ, तो उन सब चीज़ों से जो हमारे जो PhD स्कॉलर्स हैं वो घर पे बैठे हैं, वो ड्रग्स नहीं करेंगे। वेरी राइटली सेड,
आपने कहा कि काउंसलिंग, क्या काउंसलिंग करने की ज़रूरत है इन ड्रग एडिक्ट्स को? हाँ बिल्कुल, जो आपको भी वैसे पता ही होगा, अब जो हमारे यहाँ वाइन शॉप्स को लाइसेंस दी जा रही है यहाँ पे, तो मेहरबानी करके मैं आपकी वसादत से गवर्नमेंट को फिर से मौजबाना गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो इस मैटर पे देखें कि क्या मसला है और क्या है। जो बॉयज़ ड्रग करते हैं या गर्ल्स ड्रग करते हैं उनके लिए कोई ख़ास मैसेज जो आप उन तक पहुँचाना चाहेंगे? बस एक ही मैसेज, किल द ड्रग्स बिफोर इट किल्स। थैंक यू वेरी मच।